नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आपने कहावत तो अवश्य सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी हां फ्रेंड्स, उसी का एक उदाहरण ये सेप्टिक टैंक बना है। आप देख सकते हैं, नॉर्मली जो सेप्टिक टैंक होते हैं उसका बनावट इस तरीके से नहीं होता, बिल्कुल तिरछा बना हुआ यह सेप्टिक टैंक आखिरकार किस काम में आता है, इसको बनवाने का फ़ायदा क्या है, इसको बनवाने के पीछे का जो मकसद है उसको आपको जानना चाहिए, ताकि आप जब घर बनवाएं दोस्तों तो आप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के सेप्टिक टैंक का लाभ ले पाएं। दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ कि सेप्टिक टैंक को किस तरीके से बनाया गया है, उसके नीचे में दोस्तों किस तरीके का काम किया गया है आप देखेंगे। सबसे पहले इसके बनावट को समझ लीजिए। सेप्टिक टैंक का जो पहला भाग है दोस्तों, जिधर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो जमीन से आप देखेंगे कि 3 फीट की ऊंचाई पे है, जबकि दूसरा छोर देखेंगे दोस्तों तो घर का जो प्लिंथ बीम है उससे बिल्कुल जो है वो मैच करके बनाया जा रहा है। और इसका जो ढक्कन ढलेगा दोस्तों, वो भी सीधा के बजाय बिल्कुल तिरछा ही ढक्कन ढलने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला जो 2 चैम्बर है ये कॉमन है, नीचे में 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का ओपनिंग है, उसके बाद दोस्तों पानी जो है वो इस तीसरे वाले चैम्बर में आएगा और पानी फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सोकपिट बनाया गया है, जिसमें अंदर से ना तो प्लास्टरिंग किया गया है और ना ही दोस्तों पन्ना चढ़ाया गया। तो एक लुक दोस्तों मैं आपको इसके अंदर से भी दिखाऊंगा। फिलहाल समझ लीजिए कि इसका जो ढक्कन ढलने वाला है वो सीधे के बजाय दोस्तों इस तरीके से टेपर यानी कि तिरछा ढाला जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि नीचे में आप देखेंगे जमीन से लेकर के प्लिंथ बीम की ऊंचाई अगर देखेंगे तो 5 फीट है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों किसी भी प्रकार का सीढ़ी बनवाने से अच्छा था, क्योंकि घर तक पहुंचने के लिए, जमीन से घर तक पहुंचने के लिए दोस्तों या तो सीढ़ी बनाया जा सकता है, नहीं तो रैंप बनाया जा सकता है। तो उनको रैंप के नीचे वाला जो जगह बर्बाद होता है दोस्तों, उसके बदले में सेप्टिक टैंक नीचे में एडजस्ट कर दिया गया है। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंदर से इसकी बनावट किस प्रकार है, उसके बाद दोस्तों कुछ और इसकी विशेषताएं हैं जिसको हम बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप समझ लीजिए दोस्तों, इसके नीचे में एक और रैंप बनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल ज़मीन से सेप्टिक टैंक और फिर सेप्टिक टैंक से दोस्तों रैंप होता हुआ घर के प्लिंथ बीम तक पहुँचेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है वो एक घर में पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। और रैंप के नीचे वाला जो जगह आमतौर पे बर्बाद हो जाता है, लोग उस जगह का उपयोग या तो स्टोर रूम के बदले में कर सकते हैं, नहीं तो किसी तरह से दोस्तों वो बर्बाद ही चला जाता है। तो ऐसे में आप सेप्टिक टैंक वगैरह या फिर दोस्तों आप बोरिंग भी उसके नीचे आराम से करवा सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। फिलहाल मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से सेप्टिक टैंक का बनावट बिल्कुल अंदर से बनाया गया। आप यहाँ देख सकते हैं पन्ना वगैरह बिल्कुल जो है वो चढ़ा दिया गया है, और यही वो 2 कॉमन वाले चैम्बर है जिसकी मैं बात कर रहा था। 2.5 फीट ऊंचाई की दोस्तों ओपनिंग यहाँ पे दी गई है, ये ओपनिंग कॉमन बनाता है। और इसके बाद दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो पानी है सॉलिड वेस्ट उन्हीं 2 चैम्बर में रह जाएगा, जो सिर्फ पानी है दोस्तों वही आप देखेंगे कि इस वाले चैम्बर में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर पानी स्टोर होगा। एक दोस्तों आपको और चैम्बर मुझे दिखाना है, इसको देख लीजिए। ये आपने देख लिया कि यहाँ पे पानी स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों जो अगला यानी कि चौथा और आखिरी वाला चैम्बर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खांचे छोड़े गए हैं, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक नहीं किया गया है। तो ये आप देखेंगे कि सोकपिट यानी कि सोखता गड्ढा के लिए दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। तो अब आप कि अगर आपके पास ज़मीन की कमी है तो आपको बहुत ही सही तरीके से दोस्तों एडजस्टमेंट करना होता है। सेप्टिक टैंक कहाँ बनवाया जाए, बोरिंग कहाँ बनवाया जाए, बाथरूम कहाँ रखा जाए, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ दोस्तों नहीं करेंगे तो बहुत सारे ज़मीन आप बर्बाद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रैंप के नीचे वाला जो जगह है उसको सेप्टिक टैंक में तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो पर्सनली आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई इस तरीके के सिचुएशन में फंसा हुआ है, आपका रिलेटिव हो या फिर जान पहचान का हो, उन तक इस वीडियो को शेयर करके मुझ पे एक दोस्तों आभार कीजिए कि उन तक सही जानकारी आप पहुंचा दीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।